बागवान साथियों नमस्कार। मैं डिंपल पांचटा, सदस्य बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी सोलन। आज मैं बागवानी की बातों में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। काफ़ी दिनों से लाइफ पेंडिंग थी। अब बागवान साथियों बात करते हैं हमारी बागवानी की। आजकल का जो समय है वो ऐसा समय शायद ही किसी ने देखा होगा कि हमारे को धूप नसीब नहीं हो रही है, जिसके साथ साथ हमारे बगीचों में जो मैनेजमेंट हमने करनी है कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है कुछ बुरी। अच्छी चीज़ों में क्या हो रहा है, जितनी ज़्यादा मॉइस्चर जा रहा है उससे नाइट्रोजन का अपटेक भी अच्छा हो रहा है, लीचिंग भी ज़्यादा होगी मगर अपटेकिंग भी ज़्यादा होगी। आप देखेंगे कि वेजिटेशन कितनी अच्छी आ गई है ऑर्चर्ड में। तो जब आपके ऑर्चर्ड में ग्रोथ ज़्यादा आती है उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। फ़ायदा आपको ये होता है कि जिसकी ग्रोथ स्टंट हो चुकी थी वो बगीचा फिर से चल पड़ा और रूट डेवलपमेंट बढ़िया हो जाती है मॉइस्चर में। और मगर जो नुकसान होता है उसमें बीमा बड़ा कम बनता है। तो जब आजकल का बड़ा समय है कि मैं खासतौर पर अब लो और मिडल की बात करूँगा, आपके पास लगभग कुछ ऐसे शूट्स आ चुके हैं और आप देखेंगे कि ये पिंस है जो हमने अनटॉप छोड़ी थी। अगर आप क्लियरली देख पाएंगे तो यहाँ पर रिंग पड़ गया और यहाँ से आगे ग्रोथ आ गई है और ये ग्रोथ लगभग एक फीट की हो चुकी है, पिन की ग्रोथ है और जो तो हमारी मेन शूट की उसकी ज़्यादा आ गई। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या एक मेहनत आप कर सकते हैं, अभी खासतौर पर लोअर मिडल वाले, आप अपनी कैंची उठाइए और इस रिंग के बीचों बीच या थोड़ा साइड में ऊपर की साइड में नीचे को रिंग रखना है, यहाँ से आप इसको कट डाउन कर दीजिए। अगर आप इस रिंग को और इस ग्रोथ को यहाँ से कट करते हैं, एक तो ये शेड देगा आपके अंदर और जो आपकी क्वालिटी को डैमेज करेगा, दूसरा आप देखेंगे इसके पीछे जो पिन है वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाती है, इसकी कोई आंखें नहीं फटती है। अगर आप इसको यहाँ से काट देते हैं कैंची से तो जो इसके पीछे की आईज है वो स्प्राउट होगी और आप मानिए कि बहुत सारी, अगर आप 100 टहनियाँ भी ऐसे काटेंगे तो उसमें लगभग 40 से 50 में अगले साल 100% आपके फूल आएगा, फ्लावर बड बनेगा। हो सकता है कि ज़्यादा भी आए, अगर आप सनी साइड में अगर लाइट बढ़िया रही इसके बाद मौसम ठीक रहा तो आपके 100% में भी फूल आ सकता है और नया बीमा भी तैयार हो सकता है यहाँ पर। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप इसको कट कर सकते हैं यहाँ से, जिससे आपका बीमा बनेगा। ये एक कार्य होगा जो आप आजकल अपने बगीचों में कर सकते हैं। और जो ये टहनी होती है इसको पौधे में ना रहने दे ऊपर, ये सड़ती है और दूसरे पत्तों को खराब करती है, इसको आप कलेक्ट करके नीचे फेंक सकते हैं। ये पिन की बात थी। और जो नई ग्रोथ थी, नए शूट थे, वहाँ पर दो दो तीन तीन वाटर शूट उगने लग गए हैं टॉप पे, जहाँ आपने टॉप किया उसके साथ भी आप ये कर सकते हैं, जो दो टहनियाँ उसको तोड़ दीजिए या कैंची से आप काट सकते हैं, मेन को चलने दीजिए, जिससे आप शेड को कम करेंगे अपने बगीचों में।